नमस्कार, स्वागतम अत्र भवताम अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि यशी भारद्वाज। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। फ्रांस देशे राष्ट्राध्यक्ष पदाय संजातेषु निर्वाचनेषु यूएमपी इति शासी दलस्य नेता प्रवर्तमान राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोजी समाजवादी नेत्रा फ्रांस्वा ओलांडेन पराजितः। प्रतिशतं द्विपञ्चाशत्तम मतानि प्राप्य फ्रांस्वा ओलांडेन विजयश्री रेषा सम्प्राप्ता। यूरोप महाद्वीप अपरस्मिन् देशे ग्रीस देशेपि एकं दशकम् अनुसृत्य मतदानं संजातम्। देशस्य आर्थिक संकटार्थं देशस्य प्रमुखे द्वे दले एव उत्तरदायी नीति मत्वा मतदातृभिः दलद्वयमेव उपेक्षेते इति प्रतीयते। राजस्थान राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कृते संकटवृद्धिः संजाता। विपक्ष नेत्रा वसुंधरा राजे महाभागया दलत्यागस्य तर्जनायाः एकदिवसानन्तरं तस्याः 650 समर्थक विधायकैरपि पदत्यागः प्रस्तावितः। वसुंधरायाः एकेन निकट सहयोगिना ज्ञापितं यत् विधानसभायां दलस्य 79 विधायकेषु 650 विधायकाः तस्याः समर्थने वर्तन्ते। दलस्य वरिष्ठ नेतु गुलाबचंद कटारिया महोदयस्य मेवाड़अञ्चले भावि लोकजागरण यात्रां विरुध्य वसुंधरा राजे दलत्यागं तर्जितवती। अत्रांतरे दले वर्धमानं विरोधं वीक्ष्य कटारिया महोदयेन प्रस्तावितायात्रा यात्रा निरस्तीकृता। दलस्य वरिष्ठ नेतृभिः लालकृष्ण आडवाणी महोदयेन, अध्यक्षेण नितिन गडकरी महोदयेन, अरुण जेटली महोदयेन च राजे महाभागया सह दूरभाष संवादं विधाय संकटं समाधातुं प्रयासाः कृताः। दिल्ल्यां भाजपा प्रवक्त्रा रविशंकर प्रसादेन कथितं यत् एतत् दलस्य आन्तरिको विषयो अस्ति, आन्तरिकरूपेण च समाधास्यते। अमेरिकाया विदेशमंत्री हिलरी क्लिंटन अद्य कोलकाता नगरात् दिल्लीं प्रति प्रस्थानात् प्राक् पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा ममता बनर्जी महाभागया सह सम्भाषणं विधास्यति। राजधान्यां विदेशमंत्रिणा एस एम कृष्णा महोदयेन सह सम्भाषणम् अतिरिच्य सा प्रधानमंत्रिणा डॉक्टर मनमोहन सिंहेन सहापि संवदिष्यति। सम्भाषणान्तर्गतं देशद्वय मध्ये रणनीत्याश्रित सम्बन्धाः पुनरीक्षिष्यन्ते। नागर नाभिकीय सहयोग, क्षेत्रीय रक्षा, ईरान विशेष चेति सम्भाषणेषु प्रामुख्यं भजिष्यन्ति। हिलरी क्लिंटन विगतदिवसे कोलकाता नगरे प्राप्ता सति विमानपत्तने पश्चिम बंगालस्य वरिष्ठ अधिकारिभिः भारते अमेरिके राजदूतेन नैन्सी पॉवेल महाभागया च सत्कृता। अनन्तरं सा कोलकाता नगरे ब्रिटेन शासनकालस्य विक्टोरिया स्मारकं द्रष्टुम् अगात्। रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सार्धैकशततम जन्मोत्सवस्य समापन समारोहः अद्य नवदिल्ल्यां समारभते। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समारोहे अस्मिन् मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति। बांग्लादेशस्य विदेशमंत्री दीपू मोनी समारोहे विशिष्ट सम्मानित अतिथित्वेन आमंत्रितोऽस्ति। केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, केन्द्रीय संस्कृत्यावास नागर दारिद्र्योन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा चापि समारोहस्य शोभावृद्धिं करिष्यतः। अनेन समारोहेण रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सार्धैकशतवर्ष जन्मोत्सवस्य भारत बांग्लादेशाभ्यां संयुक्त रूपेण आयोजितः एकवर्षीय समारोह समाप्तिमेष्यति। समापन समारोह विगत दिवसे ढाका नगरे समारब्धः। तत्र वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री शेख हसीना चापि उपस्थिता वास्ताम्। वित्तमंत्रिणा प्रणव मुखर्जी महोदयेन बांग्लादेशाय एक अरब डॉलर मितात् ऋण सौविध्यात् 20 कोटि डॉलर मित राशिम् अनुदानत्वेन प्रदातुं घोषितम्। तेन बांग्लादेशस्य वार्ताहरे सभाषमाणेन ज्ञापितं यत् अयं प्रस्तावः तेन प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना महाभागया सह सम्मेलनान्तर्गतं कृतः। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। शुभमस्तु तावत्।